हे दोस्तों, आज हम घर पे पड़ी पुरानी बेकार बोरी से बनाएंगे एक सुंदर सा लॉन्ड्री बैग। बाज़ार में तो हमें हर चीज़ मिल जाती है ख़रीदने में, बट जो चीज़ आपकी खुद से आप अपने हाथ से बनाते हैं वो बहुत अच्छी लगती है और बनाने में मज़ा भी आता है और कुछ नई चीज़ सीखने को भी मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस तरह की बोरियाँ सबके घर में होती हैं, चावल आटे गेहूँ की। सबसे पहले आप इसे दो पीस में कट कर लीजिए। हमारी बोरी कट चुकी है तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जो एक पीस है उसे अपसाइड रख लीजिए, एक पीस लीजिए। और जो भी हम घर पे खाना खाते हैं ना, जिस भी प्लेट से आपके पास जो भी अवेलेबल हो उसे रखिए और एक शेप दे दीजिए, ठीक है, और उसे कट कर लीजिए। हमारी शेप कट चुकी है, अब हमें क्या करना है, जिससे भी आपने ये राउंड शेप दिया था ना उसे आप ये नाप लीजिए अपने इंच टेप से। देखिए जैसे ये मैंने जो प्लेट ली थी उसके हिसाब से जब मैं राउंड शेप लूँगी तो इसका आ रहा है 34। तो 34 ही हमको अपने इस लॉन्ड्री बैग के अब साइड के पीसेस के लिए उतना हमको ये वो चाहिए, कट्टे का जो साइज़ है वो उतना होना चाहिए 34। तो देखिए उसके बाद आप इसको नाप लीजिए जितना आपका हो रहा है, अगर कम हो रहा होगा तो आप जो बाकी पीसेज है उससे कट करके जोड़ के पूरा कर लीजिए इसको। लॉन्ड्री बैग की खूबसूरती बढ़ाने के लिए मैंने लिया है, एक ये पुरानी साड़ी थी मेरे पास पड़ी हुई जिसे मैं यूज़ नहीं करती। आपके पास जो भी फैब्रिक पड़ा हो पुराना कपड़ा आप उसे यूज़ कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद हमें इसे कट करना है। देखिए राउंड शेप पे ये मैंने लिए हैं, ये पिन की हेल्प से मैं इसे सिक्योर कर ली हूँ और उसके बाद इसी शेप पर मैं इसे कट कर लूँगी। ये मैंने अपनी राउंड शेप भी कट कर ली और अपना जो ये साइड का राउंड के बगल में जो साइड का हिस्सा था उस पर भी मैंने कपड़ा लगा के इसे कट कर लिया। मैंने अंदर के साइड कपड़ा नहीं लगाया, आपका मन करे तो आप अंदर के साइड भी कपड़ा लगा लीजिए, ठीक है। उसके बाद हमें इन दोनों को स्टिच कर लेना है। दोनों पीसेस को मैंने स्टिच कर लिया है। देखिए अंदर मैंने कपड़ा नहीं लगाया, मैंने इसे बार बार कपड़ा लगाया, पर जो नीचे का राउंड शेप था उसमें मैंने आगे ऊपर नीचे दोनों कपड़ा लगाया। उसके बाद मैं इसके ऊपर के हिस्से को इस तरह से फोल्ड करके स्टिच कर दूंगी ताकि थोड़ा फिनिशिंग सा आए। उसके बाद मैंने दो पतली सी ये लेस सी बना ली है, इनको मैंने कट कर लिया और इसे हम पकड़ने के लिए हैंग करने टाइप का बना लेंगे, ठीक है। इसे भी करके आप दोनों को सिल लीजिए। अब ये जो राउंड शेप है इसको भी उल्टे की तरफ से देखिए इस तरह से इसको पिनअप कर लीजिए, सिक्योर कर लीजिए और इसे सिलाई मार लीजिए। सिलाई मारने के बाद देखिए आपका ये इस तरह से हो गया, इसको कर लीजिए सीधा अपने हाथ से। उसके बाद यहाँ पे हमें इस हिस्से पे हमें एक थोड़ी सी सिलाई मारनी पड़ेगी ताकि ये थोड़ा सा और फिनिशिंग आ जाएगी। देखिए इस पर
इसमें पूरी की पूरी इस तरह से चारों तरफ से गोल शेप में जो भी है इसकी सिलाई मार दीजिए। और देखिए हमारा ये लॉन्ड्री बैग घर पे बनाया हुआ बिल्कुल रेडी है। बस आप किसी भी कॉर्नर या जहाँ पे भी आपको रखना है वहाँ पे आप रख सकते हैं। देखिए है ना कितना सुंदर। तो चलिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर। बाय।